الحسين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين जिसने एक पैगंबर भेजा उन्हीं में से जो उनके सामने आयात इलाही की तिलावत करता है और उनके नफूस को सुधारता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है अगरचे वो इसके पहले खुली हुई गुमराही में थे। मैंने अर्ज किया कि ये मजमून तीन जगह इसके पहले कुरान मजीद में है मगर यहाँ उसकी शान अजीब है, यानी अल्लाह का तारुफ कराया जा रहा है ये कह के कि वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा। अब इस रसूल की अजमत का अंदाज़ा क्या किया जा सकता है और उसकी मारिफत हासिल करना इंसान के लिए क्यों कर मुमकिन। और इसके लिए मैं एक आम उसूल आपके सामने पेश करूँ और उसे फुर्सत के लम्हात में देखिएगा कि सही है या नहीं। कि मंजिले कमाल पर पहुँच के नक्श को समझना आसान है मगर मंजिल नक्श से कमाल को देखना और समझना ये तकरीबन नामुमकिन। इसकी रोज़मर्रा की मिसालें मैं दो आपके सामने पेश कर सकता हूँ। एक ये कि बूढ़ा जानता है कि जवानी क्या थी और जवान जानता है कि बचपना क्या था मगर बच्चा समझ सके कि शबाब क्या होता है ये नामुमकिन है। दूसरी मिसाल जो और ज़्यादा रोज़मर्रा की है वो यह है कि जब जागते हैं तो समझते हैं कि सो रहे थे लेकिन सोते में ये तसव्वुर करना कि जागेंगे तो क्या होगा ये नामुमकिन। सोते में तो आदमी ख्वाब देखता है तो उसी को बेदारी समझता है तो ख्वाब के आलम में बेदारी का तसव्वुर नहीं हो सकता। बेदार होने के बाद ख्वाब का तसव्वुर हो सकता तो इसी तरह से एक गैर मासूम क्या समझ सकता है कि मासूम क्या होता है। कहीं गैर मासूम और मासूम। अब इसके आगे ये कि आम अफराद क्या समझ सकते हैं कि नबी क्या है और अंबिया क्या समझ सकते हैं कि खातिमुल अंबिया क्या। सलावत भेजिए वलेना। फिर वलेना आवाज से सलावत। तो आप कोई फिर मुझसे सवाल करने का हक रखता है कि जब
उनको पहचाना ही नहीं जा सकता, मारिफत ही नहीं हो सकती। तो फिर ये आप मेंबर पर आके ये कोशिश क्या करते हैं? और गौर व फिक्र काय के लिए होता है? और अब इसके मावरा दीनी दलील अर्ज कर दूं कि इसका खुलासा तो यह था कि मारिफत बालातर हस्तियों की मुमकिन ही नहीं, मगर अब हकीकत दीनी यह है कि मारिफत खुदा वाजिब है। हर खुदा हासिल करने का हुक्म में है। तो मारिफत रसूल और मारिफत इमाम हासिल करने का हुक्म क्यों ना होगा? वो तो हदीस मशहूर है, मन माता वलम यारिफ इमाम जमानी माता मीतन जाहिलिया, जो मर गया और उसने अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल नहीं की, वो जाहिलियत की मौत दुनिया से गया। तो अब मारिफत मुमकिन चीज़ है तब तो उसका हुक्म हुआ, वरना नामुमकिन चीज़ का तो हुक्म नहीं हुआ करता। तो अब ये दोनों बातें मुतज़ाद हो गई। अभी तो ये था कि मारिफत मुमकिन ही नहीं है, और अब ये हो गया कि मारिफत मुमकिन है और वाजिब है। तो अब ये दोनों बातें क्यों कर समझ में आए? अब इसके लिए कोई मंतिकी फलसफी तकरीर करना मंजूर नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक सुई को समंदर के अंदर डालिए तो समंदर सुई के नाके में समा नहीं जाएगा, मगर जितना इसका ज़र्फ है उतना तो समंदर आ ही जाएगा। के हैं कि अपनी कश्ती ज़हन को उनके कमालात के समंदर में डाल दें, फिर तो जितनी ज़र्फ़ में वसअत होगी उतना आ जाए। और इसीलिए इन बातों पर बहस करना उलौना बेकार है, इसलिए कि सब यकसा अगर मारिफत रखते तो ईमान के दर्जे क्यों होते? हज़रत पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब खास में ईमान के दर्जों को मुकर्रर करके हमें बताया। अब कुछ अफराद तो काबिल ज़िक्र नहीं थे, जहाँ से के काबिल ज़िक्र समझे वहाँ से हमें दर्जे बताए कि ईमान के 10 दर्जे हैं, और उनमें 8वें दर्जे पर मिक़दाद और 9वें दर्जे पर अबू ज़र और 10वें दर्जों पर फ़ाइज हज़रत सलमान। तो ये दर्जात ईमान क्या दर्जात मारिफत से अलग हैं? वही एक ही है कि जब तक मारिफत कामिल न होगी ईमान उस पर कामिल क्यों होगा? तो जब रसूल ने इनमें दर्जे मुकर्रर कर दिए तो वो तो आपस में नहीं लड़ते थे कभी। तो इसी तरह कोई ज्यादा समझा है उसको मुबारक हो, कोई कम समझा है उसे मुबारक हो, इसमें लड़ने की जरूरत क्या है? सलावत भेजिए बलंदा। फिर बलंद आवाज से बोला, मगर अब ये तीन हस्तियों का तज़किरा आ गया तो अब एक हकीकत
सर मैं मुतवज्जे करूँ।